कहते हैं वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती और इस बात का प्रमाण हमें समय समय पर मिलता ही रहता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से करीब 2 दशक पहले साउथ इंडस्ट्री की कई सारी ऐसी भी फिल्में रही जिन फिल्मों में एक्शन सीन को देखने के बाद उन सभी सुपरस्टारों का मजाक हिंदी भाषी दर्शक उड़ाते थे, लेकिन आज वही सुपरस्टार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साउथ की कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों का बजट जान व सुन आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वाले भी परेशान हैं। 500 करोड़ वो अपनी फिल्मों पर लगा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर 1,000-1,200 करोड़ रुपए कमाई भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब साउथ इंडस्ट्री अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है और अब धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर ये भारी भी पड़ रही है। आज मौजूदा दौर में बॉलीवुड वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है और वही साउथ वाले अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हालिया में साउथ की अगर बड़ी फिल्मों की तरफ डालें तो पुष्पा दी राइज, ट्रिपल आर और केजीएफ चैप्टर 2 ने एक बड़ा झटका दिया है और इन सभी 3 फिल्मों के कलेक्शन को देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार दांतों तले उंगलियां दबाए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि साउथ इंडस्ट्री पर हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री निर्भर रही है। आज से कई दशकों पहले बॉलीवुड के कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान भी दिलाई थी, लेकिन धीरे धीरे मौजूदा दौर के सुपरस्टार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से हटकर साउथ इंडस्ट्री पर निर्भर होते गए और इस बात का प्रमाण भी मिला। जिक्र करना चाहेंगे साल 2009 का, जब सलमान खान को एक बड़ी हिट फिल्म चाहिए थी और सलमान खान जब वांटेड करते हैं जो कि एक साउथ फिल्म का बड़ी रिमेक थी, तो इस फिल्म को करने के बाद उनके स्टारडम में एक अलग चमक देखने को मिलती है। वांटेड फिल्म जिसे 2009 में रिलीज किया गया था, यह 2006 की तेलुगु फिल्म पोकरी का रिमेक था और इस फिल्म के ओरिजिनल लुक में महेश बाबू नजर आए थे। और इसी कड़ी में बॉलीवुड के कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे हैं जिनका झुकाव अब धीरे धीरे साउथ इंडस्ट्री के प्रति भी देखने को मिल रहा है। सलमान खान वांटेड करने के बाद कई सारी बड़ी फिल्मों का बने और मौजूदा दौर में सलमान खान गॉडफादर में एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं जो कि एक साउथ फिल्म है। फिल्म में वो चिरंजीवी के साथ नजर आएंगे, तो इस बात से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खान अब साउथ इंडस्ट्री के एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ट्रिपल आर में पहले ही अजय देवगन ने अपना कैमियो अपीयरेंस निभाकर साउथ की फिल्मों में डेब्यू कर लिया है। इसके साथ ही शाहरुख खान, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है, वो एटली के साथ एक फिल्म में कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम जवान रखा गया है। और आमिर खान की बात करें तो वो हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं जिस फिल्म का में लाल सिंह चड्ढा। और अक्षय की अगर बात करें तो खिलाड़ी भैया पहले से ही साउथ दर्जनों भर फिल्मों का रीमेक कर चुके हैं और उनकी ताजा फिल्म की बात करें तो बच्चन पांडे का वो रीमेक करके खूब आवाही भी लूट चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह अभी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के मौजूदा सुपरस्टार अब साउथ की बड़ी फिल्मों पर निर्भर हैं। कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे हैं जो साउथ की बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन सभी फिल्मों को रीमेक बनाकर अब धीरे धीरे नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आज हिंदी भाषी दर्शक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टारों को कोस रहे हैं क्योंकि इनके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, ना इनके पास कहानी होती है, ना ही ढंग के गाने होते हैं और इनकी फिल्मों का बजट भी काफी ज्यादा हाई फाई होता है। तो वहीं दूसरी ओर साउथ की फिल्मों में कहानी, मसाला और एंटरटेनमेंट का हर वो डोज मौजूद होता है जो हर एक दर्शक किसी फिल्म में खोजता है। और तभी तो अब साउथ के बड़े बड़े ऐसे भी सुपरस्टार रहे हैं जो अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साउथ के जाने माने अभिनेता किच्चा सुदीप ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ और अजय देवगन ने इस बवाल में कूद कर इस बवाल को और भी आगे बढ़ाया था। हालांकि मामला शांत हुआ। इसके बाद साउथ के ही जाने माने सुपरस्टारों में से एक महेश बाबू ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की इतनी औकात नहीं है कि मुझे अफोर्ड कर सके। इस बात का जवाब देते हुए अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा था कि बाप को मत सिखाओ, बाप बाप होता है। तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की जानी मानी हसीना रवीना टंडन के अनुसार दक्षिण की फिल्में भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वहां ज्यादा इसे पसंद किया जाता है और यही वजह है कि उनकी फिल्मों में सच्चाई नजर आती है। आजकल बॉलीवुड फिल्म निर्माता मेहनत नहीं करना चाहते, अगर हम नए लोगों को मौका दें और अच्छी कहानियों पर मेहनत करें तो हम भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं और तब हमें अच्छी फिल्में बनाने के लिए दक्षिण या हॉलीवुड फिल्मों की तरफ ताकने की जरूरत नहीं होगी। यह रवीना टंडन का सबसे बड़ा तमाचा है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पर, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। वही दूसरी ओर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही नए चेहरों को मौका दिया जाता है और वो चेहरे उभर कर सामने भी आते हैं। साउथ इंडस्ट्री आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई है और साउथ की कई सारी ऐसी भी 4-5 साल पहले बनी हुई फिल्में हैं जिन फिल्मों का रीमेक कर आज बॉलीवुड के कई सारे बड़े सुपरस्टार खूब नाम और शोहरत कमा रहे हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और उसे समझ में आ गया है कि अगर फिल्म में कहानी का अगर सर पैर नहीं होगा तो उसे हम नहीं देखेंगे और ऐसे ही कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में अगर बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टारों की
फिल्मों की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म रनवे 34 जो कि एक देशभक्ति से लबरेज फिल्म थी, इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। और आज से कुछ महीने पहले यही हशर अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के साथ भी हुआ। बच्चन पांडे भी साउथ की एक ओरिजिनल फिल्म का रीमेक थी और इस फिल्म को भी दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों के चाहने वाले अब समझ चुके हैं कि अगर फिल्मों में अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी तो हम उस फिल्म को नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जो आज हालत हो गई है इसके पीछे में असल जिम्मेदार कौन है? अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से।